नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कांग्रेस को प्रताड़ित कर रही है। आज हम भी बैठे हैं जन आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज हम उठाते हैं और सतनामी समाज के आस्था के केंद्र गैर समाज ध्यान की मांग कर रहा था। उस ओर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया को। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में आगजनी की घटना के बाद हो रही जांच में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सरगुजा कांग्रेस कमेटी ने भी शहर के गांधी चौक स्थित डाटा सेंटर के सामने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के बलौदा बाजार में आगजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें कलेक्टर और एसपी ऑफिस समेत कई छोटी बड़ी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश सरकार बलौदा बाजार आगजनी मामले में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जानबूझकर बिना किसी सबूत के कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा इसी के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। भाजपा की नाकामी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम भाजपा के कारण खराब हुआ। बलौदा बाजार जैसे शांत जगह पर कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिए गए, इसका हम लोग विरोध करते हैं इस आंदोलन का। लेकिन जो लोग किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग ज्ञापन सौंपने गए उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन जो उसमें अतिथि के रूप में गए थे हमारे विधायक देवेंद्र यादव, उनके ऊपर कार्रवाई होना, हमारे युवक कांग्रेस एनएसवाई के लोगों को पकड़ना, बिल्कुल ये दमन नीति है। कांग्रेसियों को पकड़ के उन्हें तंग किया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। जो लोग गलती किए उनको सजा मिलनी चाहिए, यही बात सतनामी समाज कर रहा है। जैत खम को आपने तोड़ा, नुकसान पहुँचाया, सतनामी समाज के भावनाओं को आहत पहुंचाया, लेकिन ये सरकार संभाल नहीं पाई और ये अपनी गलती को कांग्रेसियों को पटीटा फोड़ रहा है, जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं। अब आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी, किस तरह से देखते हैं? प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो निर्देश देगा वो करेंगे और मेरे को ऐसा लगता है कि सतनामी समाज के साथ साथ अब पूरे प्रदेश की जो जनता है वो भाजपा से त्रस्त हो गई है। आने वाले जो समय है वो अगर आंदोलन कर रहेगा तो हम सब लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन कांग्रेसी साथियों को छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ खड़े रहेंगे। और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा गैरकानूनी तरीके से विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है, यह पूरा मामला बदले की भावना से की जा रही है। देवेंद्र यादव दो बार के विधायक हैं और भाजपा के ऐसे गैरकानूनी कार्यों से हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की अदालत में हम भाजपा की सच्चाई को लेकर जाएंगे कि कैसे वह बदले की भावना से विपक्षी पार्टी के नेताओं पर गैरकानूनी रूप में कार्यवाही करती है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं ने सभा में आरोप लगाया है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय विधायक भिलाई से दो बार के श्री देवेंद्र यादव जी की जो गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध जो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उसी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में ये धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। राजनीति बदले के तहत कार्रवाई हुई है, लगता 1001% ये बदले की ही कार्रवाई है। साफ साफ इंगित हो रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में है, जो विधायक है, दो बार का विधायक है, लोकप्रिय है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अभी न्याय यात्रा और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रमुख किरदार था, उन सब से जो प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था उसको कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए उस पर हाथ डाला गया है और जानबूझ के कार्रवाई की गई। जी यही रवैया रहेगा तो कांग्रेस आगे क्या करेगा? देखिए, कांग्रेस बहुत ही अहिंसावादी एक संगठन है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाला संगठन है। हम जनता के बीच इनकी नाकामियों को लेके जाएंगे, शांति प्रिय इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों से कोई समक्ष में बातें ना करके इनको हम मजबूर कर देंगे। और जो न्यायालयीन कार्रवाइयाँ हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जनता की अदालत में भी इनको हम घसीटेंगे और इनके दोहरे क्षेत्र को दिखाएंगे। ठीक है।